सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम। होली आपकी बहुत ही शुभ रहे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो होलिका का दहन होता है उसकी बची हुई भस्म से और बची हुई अग्नि से आप क्या कर सकते हैं। ये मान्यता है कि इसकी अग्नि को घर में लाने से और इसकी भस्म को अगले दिन प्रातः घर में लाने से घर की सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती और घर की अशुभता को दूर करने में आपको सहयोग मिलता है। और उस अग्नि से बची हुई जो अग्नि है उसको आप उसका एक दिया भी आप बना सकते हैं। उस अग्नि से मतलब दिया जला के और उसको भी कुछ समय तक अपने घर में रखने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। क्योंकि जो होलिका का दहन करते हैं आपको शायद नहीं पता होगा क्योंकि इसमें बहुत ही शक्तियाँ होती हैं, सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करती हैं। होली के पर्व का महत्व ही यही है, इसीलिए हम होलिका का दहन करते हैं ताकि नकारात्मकता समाप्त हो और सकारात्मकता बढ़े। होली की जो भस्म होती है आपको क्या करना चाहिए, दूसरे दिन प्रातः आप जाइए जहाँ पे भी होलिका का दहन हुआ है उसको आप थोड़ा सा जल छिड़क कर थोड़ा सा आप उसे शांत करिए और बची हुई जो अग्नि है उसको भी आप थोड़ा घर में लाइए और थोड़ी सी भस्म ले आइए। जितनी भी आप मात्रा लेना चाहते हैं इसका लेपन करने का विधान मिलता है हमारे शरीर के ऊपर, जिससे हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ रहता है पूरे साल एवं हमारा मन विचलित नहीं रहता। आपको इस भस्म से स्नान करने से पूर्व इसका लेपन करना चाहिए और लेप करते समय आपको एक मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा ताकि आप इसे पढ़ सकें। मंत्र है, वंदितासि सुरेन्द्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहि मां देवी भूति भूति प्रदा भवः। ये इसका मंत्र है। ये मंत्र का जाप करते हुए आपको जितनी भी आपकी क्षमता हो इस भस्म का आप लेपन कीजिए और बाद में आप इससे स्नान कीजिए। कहते हैं इसका फल बहुत ही अच्छा आपको मिलता है, आपका शरीर सदा के लिए निरोगी भी रहता है। हमें आपको पता ही होगा कि काशी में आज भी ऐसी प्रथा है कि चीता की भस्म से लोग होली खेलते हैं और इस भस्म का लोग अपने शरीर के ऊपर लेपन भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे तांत्रिकों का मानना है कि इससे उन लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है, वो लोग होलिका की जो अग्नि होती है उसको भी अपने घर में या अपनी साधना स्थली पे ले जाते हैं और उसको कुछ समय तक वो लोग रखते भी हैं। और भी एक मान्यता है कि होली में जो धान्य यानी कि जो अनाज को हम सेक कर अगर खाते हैं तो शरीर हमें हमारा शरीर सदा के लिए निरोगी भी रहता है। तो ये एक दो चीज़ है आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आपकी होली बहुत ही शुभ रहे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।